वेलकम स्टूडेंट। हमने इसके पहले जो क्लास था, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और हमने कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे। जितने भी अलजेब्रिक रूल्स है, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, है ना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिफ्थ में भी पढ़े होंगे, है ना, सिक्स में भी पढ़े होंगे। तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे जो कि पहले पढ़ा हुआ है, तो लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, तो वो अच्छे से देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो हम बॉडमास रूल के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बॉडमास रूल क्या है बच्चों? बॉडमास रूल का मतलब होता है एक ये लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी अलजेब्राइक जो ऑपरेटर्स हैं उसका हम यूज करते हैं कि कब कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना है। अब हमारे पास पांच ऑपरेटर्स हैं, तो उसको हम एट ए टाइम तो नहीं कर सकते। उसका रूल है कि हाँ कौन सा कैसे करना है ना, वो रूल को हम फॉलो करेंगे। तो बी का ये जो बॉडमास रूल है, ये इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है उस रूल का, ठीक है। तो बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, ब्रैकेट है ये हमारा। तो ब्रैकेट में कौन कौन सा आता है? ब्रैकेट में बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का वर्क करना है। तो ब्रैकेट में हमारा आता है पहले स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों? कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले हमें ब्रैकेट का वर्क करना है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको? इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं बच्चों। हाँ, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या है? राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, पता ही है इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें किसका वर्क करना है बच्चों? हमें पहले इस पे जाएंगे, उसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे। तो फर्स्ट में हमें किसका वर्क करना है? इसका। सेकेंड में कर्ली ब्रैकेट का, और थर्ड में है ना स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रैकेट, तो बी फॉर ब्रैकेट। उसके बाद क्या है? ओ लिखा हुआ, तो ओ का मतलब होता है क्या? ऑर्डर होता है, ऑफ होता है, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या क्या आ जाए? ऑर्डर और ऑफ, है ना, इन दोनों का मतलब हम समझाएंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पावर, है ना। अगर ब्रैकेट हो गया है तो उसके बाद किसका वर्क करना है? अगर कुछ पावर में दिया हुआ है, जैसे कि पावर मतलब 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको हम पहले क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे इसके बाद, ठीक है। उसके बाद पावर है, अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। तो ऑफ को हम किस में कन्वर्ट करके लिख लेंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके लिखेंगे, उसका प्रोसेस नहीं करेंगे, सिर्फ कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर, ऑर्डर और ऑफ, है ना। तो ये हमारा ओ का हो गया। अब ओ के बाद हम चलते हैं कहां पे? ओ के बाद हम चलेंगे, ओ के बाद हमारा क्या है? डी। तो डी फॉर क्या होता है बच्चों? डी का मतलब पता ही है, डिवीजन करना है हमें, है ना। तो जब ब्रैकेट ऑफ हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। उसके बाद डिवीजन के बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो क्या करना है बच्चों? ए का मतलब एडिशन। उसके बाद एडिशन करना है, एडिशन हो जाए तो फिर क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमने देख लिया। उसके बाद एक कभी कभी जब भी हम कोई एल्जेब्राइक सम करते हैं, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, एल्जेब्राइक जो सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ रहता है, तो उसमें एक टर्म और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों? बार बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है -3 + 2, ठीक है। माइनस मान लो कि उधर है और यहाँ पे है -3 + 2 और 2। तो जब भी इस तरह से किसी दो नंबर के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, प्लस या माइनस, और उसके ऊपर बार का साइन दिखे, तो उस समय आपको क्या करना है? इसके आगे का साइन भूल जाना है कि आगे का साइन क्या है, ठीक है। आपको ये मान लेना है कि ये एक साथ है, बाकी सब अलग है, ठीक है, जब भी बार यहाँ पे दिया हुआ रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, जब भी ऊपर बार लिखा हुआ रहे तो क्या करना है? इस साइन को भूल जाना है, इसके आगे वाले को, है ना। ये बाद में हम देख लेंगे, इसका मतलब ये होता है बार का, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होगा? सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोसेस कर लें। तो 3 + 2 कितना होता है बच्चों? 5। उसके बाद 2 - 5 कितना होता है? -3। तो इस तरह से हम बार का साइन का यूज करने वाले हैं। तो बस अभी तक तो बॉडमास रूल में बस इतना ही, और आपको ये नोट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हमने जो बताया इसको ध्यान में रखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे जो सम है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हम आपको ध्यान में रखना ही चाहिए ये। तो
ठीक है, तो आपने इस रूल को लिख लिया, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो अब हम चलते हैं कि कैसे हम कोई भी इस तरह से सिंप्लीफिकेशन में करना होगा हमें, है ना, नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन करना होगा, इंटीजर्स का, तब हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो इसके पहले जो रूल पढ़ाए थे हमने, वो रूल भी आपने अच्छे से देखा होगा, ठीक है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अब हम आगे आते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा जो है इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसे कि डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, है ना, डिटरमाइन ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो सिंप्लीफिकेशन हमारा यहां से स्टार्ट होता है ना। तो लगभग आप ये सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए ही है ये, है ना। तो डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहला जो प्रोडक्ट दिया हुआ है बच्चों, उसमें क्या है, -15 × 8। पहला क्या है, -15 × 8। दूसरा क्या है बच्चों, 125 × -8, 125 × -8, ठीक है, 125 × -8। उसके बाद तीसरा में है बच्चों, -25 × -9, ठीक है। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, हमने क्या बोला था, किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो 8 का साइन कुछ नहीं तो कितना बच्चों, प्लस, ठीक है। तो उसके लेफ्ट में साइन है, 15 के लेफ्ट में कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस। तो प्लस दिखता नहीं है लेकिन होता है वहां पे। तो प्रोडक्ट का एक रूल होता है बच्चों, जो कि हमें ध्यान से देखना है। अभी दूसरा रूल क्या होता है, पहले हम उसके साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 15 का साइन कितना दिख रहा है बच्चों, माइनस, और 8 का साइन कितना दिख रहा है, प्लस। तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, कि हम पहले उसके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, ठीक है। सबसे पहले हमने साइन मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस कितना होता है बच्चों, माइनस। हमने इसके पहले बेसिक रूल्स भी बताए थे अलजेब्रा का, उसमें हमने बताया था कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद 15 × 8, 15 × 8 जा कितना होता है बच्चों, तो टेबल तो लर्न होगा ही, तो 5 × 8 जा कितना होता है, 40 का 0, 4, 8 × 1 जा 8 + 4 = 12, तो कितना है बच्चों, 120। तो जैसे हमने ऊपर में मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आपको ये सारे मल्टीप्लीकेशन करने हैं। तो ठीक है, इसको खुद से कीजिए, ठीक है, करके देखिए जैसे हमने अभी बताया। तब तक मैं उधर दूसरा सम लिखता हूं, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ पे आता हूं बच्चों में। तो फोर्थ में है 3 × -8 × 5, ठीक है। फिफ्थ में है, थोड़ा सा स्पेस देता हूं इसमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेप्स करने होंगे। फिफ्थ में हमारा 9 × -3 × -6, हाँ आपको ये करने के लिए दिया हमने। उसके बाद इसको कीजिए आप खुद से। तो फिफ्थ हो गया हमारा। सिक्स में सम है हमारा -2 × 36 × -5, -2 × 36 × -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, प्लस दिख रहा है। यहाँ पे इसका साइन क्या है, माइनस। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर 125 × 8 कितना होगा, 125 × 8, 125 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40 का 0, 4, 8 × 2 = 16 + 4 = 20 का 0, है ना। फिर 2, 8 × 1 = 8 + 2 कितना, 10। तो कितना है बच्चों, -1000। तो इसका आंसर कितना है, -1000। तो दूसरा तो हमने कर दिया, अब तीसरा पे भी वैसा ही स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो तीसरा में हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करो, साइन का मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस कितना दिख रहा है, प्लस होता है। फिर कितना यहाँ, 25 × 9 जा, तो 25 × 9 मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 × 5 = 40, तो 25 का तो टेबल याद ही है, तो कितना होता है, 225, ठीक है, 225। तो हो गया हमारा, ये तीन सम तो हो गए। तो जैसे हमने इसको किया था वैसे ही, कुछ डिफरेंस नहीं है, वहां पे सिर्फ 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो टर्म्स में इसको बोल सकते हैं, 3 डिजिट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस, इसका साइन, सबसे पहले हम साइन को आइडेंटिफाई करेंगे, साइन किसका कौन सा है। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तीनों नंबर का साइन दिख रहा है। तो हमने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन करने से पहले पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन का। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो साइन का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, माइनस आया। अब डिजिट पे चलते हैं, तो 3 × 8 = 24,
और 24 5 जा कितना होता है 120। तो ऐसे ही आपको इन दोनों को भी करना है। तो खुद से करके देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है ना, यहाँ पे -2 दिख रहा है, -2 हमारा ये। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं जिसको हमने यहाँ पे लिख रहे हैं। सेवेंथ में है -2 × -4, -2 × -4। उसके बाद मल्टीप्लाई है -6 × -8, -6 × -8। ठीक है, तो ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है। वैसे ही मैं एट्थ नाइन्थ और टेंथ की बात करता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट है एट्थ में है हमारा, एट्थ में है 1487 मल्टीप्लाई 327 प्लस आगे क्या है, -487 × 327, -487 × 327। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 1487 × 327 प्लस -487 × 327। तो यहां तक हो गया। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो 9 में है बच्चों हमारा 28495, 28495 मल्टीप्लाई 99, उसके बाद है बच्चों माइनस ऑफ -28945। ठीक है, तो ये हमारा नाइन्थ सम है। तो हमें लग रहा है कि फिफ्थ और सिक्स्थ आपने कर लिया होगा, तो इसका साइन क्या है, प्लस। कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, साइन कितना आएगा प्लस। फिर 9 3 जा कितना होता है बच्चों 27, और 27 6 जा, 27 6 जा कितना होता है 162। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, फिफ्थ का 162। तो हमने फोर्थ कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, तो फिफ्थ का आंसर कितना है बच्चों 162। ठीक है, तो सिक्स भी आपने कर लिया होगा, तो इसमें 36 का साइन कुछ नहीं तो कितना है प्लस, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, साइन कितना प्लस। अब 36 2 जा कितना होता है 72, 72 5 जा 360, तो सिक्स में कितना आया 360। ठीक है, तो जैसे हमने सिक्स किया वैसे ही आप सेवेंथ भी किए होंगे, तो सेवेंथ का किसका आंसर आया, सेवेंथ का कितना आंसर आया होगा, सेवन का हम देखते हैं। तो सेवन की सब बच्चों ने किया होगा, सेवन का आंसर आएगा बच्चों -120, है ना, -120 कितना आएगा सेवन का। कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई करने के बाद 384 आंसर आना चाहिए, किसका, सेवन का। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। अब एट और नाइन ट्राई करके देखिए आप, है ना, होता है कि नहीं वो हम चेक करते हैं बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या बोला था, बॉडमास रूल पढ़ने के लिए बोला था, बॉडमास रूल, जब भी बहुत सारे साइन एक ही साथ आ जाए तो हम उस समय क्या करते हैं, बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। तो बॉडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन करते, लेकिन डिवीजन तो है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करना है, 1487 से 327 में मल्टीप्लाई, 1487
87 से 327 में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, कितना होगा? कितना आया? 94, कितना आया? 486249, ठीक है, तो कितना हो गया? 486249। यहां पे हमने साइन का कुछ लफड़ा ही नहीं, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, ठीक है। अब हम आगे आएंगे प्लस। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहां साइन का लफड़ा है क्योंकि यहां पे माइनस है, तो माइनस प्लस कितना होता है? माइनस, और फिर से माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। अब बचा क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 487 इंटू 327। तो हम चाहे तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन से बच सकते हैं बच्चों, है ना, इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा। तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन से अगर बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह ध्यान देना पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है कि नहीं। तो उस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई नंबर दोनों में मल्टीप्लाई हो, दोनों टर्म में, यहां पे तो प्लस डिवाइड कर दिया ना, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ये अलग है बच्चों और ये अलग है हमारा, ठीक है, तो ये एक सेपरेट सेपरेट टर्म है। तो जब भी इस तरह का मल्टीप्लीकेशन से आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक टर्म कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेने के लिए आप सीखे होंगे, है ना, तो अगर नहीं सीखे तो यहां पे आप सीखेंगे। तो ये देखिए 327 इसमें भी मल्टीप्लाई है, 327 इसमें भी मल्टीप्लाई है। आपने ये रूल पढ़ा था, हमने बताया था ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? ए इससे मल्टीप्लाई फिर सी से मल्टीप्लाई, तो लिखते थे ना ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा लिखते थे ना। तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? इसको भी हम उस तरह से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ये हमारा 327 ए है, तो हम ए को बाहर ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 327 बाहर लिया बच्चों तो कितना बचेगा? अंदर देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना बच गया? 1487, और यहाँ क्या कितना बचा बच्चों? माइनस प्लस माइनस 487, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो डबल मल्टीप्लीकेशन से हम बच गए यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसको 327 लिखा हमने, 327। अब हम आगे आते हैं, ठीक है, 327। अब हमने क्या बोला था कि किसी भी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं साइन होता है, तो कौन सी साइन होती है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन दे भी सकते हैं अभी। फिर क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है? प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस कितना होता है? माइनस, मतलब 1487 में हमको माइनस करना होगा कितने से? 487 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 327 मल्टीप्लाई 1487 माइनस 487 कितना होता है? 1000, कितना होता है? 1000, है ना, 1487 में से 487 माइनस करो कितना होगा जाएगा बच्चों? 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हम कितना कैसे लिख देंगे? कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जो तीन जीरो है वन को छोड़ के जितने भी जीरो लास्ट में दिखते हैं इसके साथ रख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये एट वाला सम अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा इसका। तो नेक्स्ट नाइन्थ वाला जो सम दिख रहा है वो आप खुद से कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना, खुद से करके देखिए एक सम, तो कुछ समझ में आएगा आपको, है ना। वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप इसको खुद से कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 28945, 28945 0, 28945, 28945 और उसके 00, 28945 00, ठीक है बच्चों। तो बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स यू कैन सिंप्लीफाई द नाइन्थ सम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले सम पे, नेक्स्ट सम कैसा है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या है बच्चों कि हम टेबल यहां पे एक बना रहे हैं। इस टेबल में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, मल्टीप्लीकेशन टेबल, ठीक है। तो
तो ये जो टेबल दिखा है उसको कंप्लीट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल दे रहा हूँ, इस टेबल को यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे -2 है, यहाँ -1 है, -3 है, यहाँ पे -4 है, फिर -5 है, यहाँ पे -6 है। ठीक है, और आगे फिर कुछ जगह पे एक टेबल एक लाइन और बढ़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे -5 तो ले लिया हमने, -9, और यहाँ पे 0 दिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे हम। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम देखने वाले हैं, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो हो गया है तक, आपको टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है -2, यहाँ क्या दिख रहा है -1। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरे रो में दिख रहा है ये डिजिट, इससे पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो -2 × -1 कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और 2 बन जा 2, तो क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखते भी हैं नहीं भी लिख सकते, और 2 बन जा 2। फिर क्या, यहां तक तो हो गया, अब इससे तो हो गया, अब इससे करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 4 = 8 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। ठीक है, उसके बाद फिर से -2 है यहाँ पे, यहाँ क्या है -6, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और 2 × 6 = कितना होगा 12। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 12, हम प्लस लिखे भी नहीं भी लिख सकते। ठीक है, उसके बाद -2 × क्या बच्चों, इस बार 0, तो हमने क्या बोला है कि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या बना देता है, वो 0 ही बना देता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तो जैसे हमने इसको कंप्लीट किया वैसे ही आपको इधर से इसे कंप्लीट करना है। तो -3 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, -3 × 4 कितना हो जाएगा 12, -3 × 6 कितना हो जाएगा 18, और -3 × 0 कितना हो जाएगा 0। फिर उस तरह से -5 - 1, तो -5 × -1 = 5, -5 × -4 = 20, -5 × -6 = 30, फिर -5 × 0 = 0, फिर -9 × -1 = 9, फिर यहाँ पे कितना 36, फिर यहाँ पे कितना 54, और यहाँ पे कितना बच्चों 0। मतलब इस रो में जितने भी दिख रहे हैं वो सब कितने दिखेंगे 0 दिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने टेबल कंप्लीट करने के लिए भी सीख लिया, और हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल भी सीख लिए, है ना। तो ये लास्ट का जो दो सम था वो इंपॉर्टेंट था बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के सम पे। तो यहां तक तो हो गया, अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं। तो साथ साथ आपको करना भी चाहिए, जो हम सम यहां पे दे रहे हैं वो खुद से पहले ही करके रखना चाहिए, है ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1, है ना। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1, तो हमको वो ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट कितना हो -1 हो। तो कैसे फाइंड करेंगे हम कि हाँ उसका प्रोडक्ट -1 है ना, उसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें प्रोडक्ट का फाइंड करना है, किसका, -1 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्या है वहां पे, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1।
तो वैसा इंटीजर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट कितना हो, माइनस वन हो, प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट विथ माइनस वन इज, विथ माइनस वन इज। तो सबसे पहले क्या है हमारा दिया है 58, उसके बाद दूसरा में माइनस 58 है नहीं, जीरो, और तीसरा में क्या है माइनस 225। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है उसमें 58 है, तो 58 में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द इंटीजर व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, तो वी गेट 58 इंटू माइनस वन कितना होता है माइनस 58। तो प्रोडक्ट क्या होगा दो इंटीजर का, अपोजिट साइन इज इक्वल टू द एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो 58 को हम कैसे लिखेंगे, 58 को माइनस 58 इंटू माइनस वन लिखना पड़ेगा, तब तो ये 58 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब 58 का क्या होगा ये एडिटिव इनवर्स, आपने 6 में पढ़ा होगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, अगर हमें माइनस वन चाहिए प्रोडक्ट में तो कितना यहाँ पे लाना पड़ेगा माइनस वन लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो इंटू माइनस वन। ठीक है, तो इस बार जीरो चलेगा है ना, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही देता है। उसी तरह माइनस 225 है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 225 इंटू माइनस वन, तो क्या हो गया, इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इंटीजर को। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया हमारा, कितना है 225, इसका कितना आएगा जीरो, और इसका कितना आया माइनस 58, ये हमारा आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन तो देख लिया, अब चलते हैं डिवीजन पे। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो हम इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं वो हम देखने वाले। तो इसके पहले हमने डिवीजन किया था इंटीजर्स का, लेकिन इस बार कुछ अलग होंगे, जैसे कि सबसे पहला हमारा सम है, इसमें लिखा हुआ है डिवाइड करना है, उसमें डिवाइड 102 बाय 7, डिवाइड फर्स्ट में क्या है 102 डिवाइडेड बाय 7, सेकंड में क्या है क्या है माइनस 161 बाय माइनस 23। ठीक है, माइनस 23, उसके बाद थर्ड में क्या है माइनस 85 बाय 5, माइनस 85 बाय 5, यहां पे 120 बाय 7 लिखते हैं। ठीक है, बाय 5। फोर्थ में बच्चों, फोर्थ में हमारा है माइनस 120 माइनस 729 बाय माइनस 27, माइनस 729 बाय माइनस 27, और फिफ्थ में है क्या है फिफ्थ में जीरो बाई माइनस 135, जीरो बाई माइनस 135। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे डिवाइड करना है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, लेकिन डिवीजन का प्रोसेस भी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, तो वही वही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, कैसे हमारा इंटीजर्स का डिवीजन होता है वो देखेंगे हम। तो पहला हमारा क्या है 102 बाय 7, मतलब 102 में हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो अगर हमें टेबल लर्न है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना, तो 102 डिवाइडेड बाय 7, 102 डिवाइडेड बाय 7, नहीं लर्न है तो क्या करेंगे डिवीजन करेंगे 7 से। देख जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमारा क्या होता है डिविडेंड होता है, जो राइट साइड में होता है वो हमारा क्या होता है डिवाइजर होता है। तो मतलब 7 से 102 में क्या करना है डिवाइड करना है, तो 102 में हम डिवाइड करें 7 1 जा 7, फिर कितना 3, तो कितना आएगा 7 4 जा 28, कैंसिल हो रहा है क्या, अच्छा 17 है क्या, हाँ 17 है बच्चों 17, है ना, 7 से तो वो डिवाइड होगा ही नहीं कंप्लीटली, तो ठीक है 17 से करते हैं। तो 17 का टेबल हमें पता है क्या होता है 17 का टेबल, तो 17 6 जा कितना होता है 102, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद कितना आया 6। उसी तरह अब सेकंड में हम करेंगे, तो सेकंड में कैसे लिख सकते हैं इसको माइनस 161 वाई माइनस 23, तो जैसे ही माइनस दोनों में रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 161 अपॉन माइनस 23, है ना, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा न्यूमरेटर, जो राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर,
तो जब माइनस दो ऊपर नीचे दोनों दिखे तो माइनस को क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 23 और यहाँ क्या है 161। अगर आपको 23 का टेबल रन होगा तो आप क्या लिखोगे, 23 7 जा कितना होता है 161, तो कितना है बच्चों 7। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है ना यहाँ पे अप्लाइड है। तो पहले साइन दिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, और फिर 23 से 161 में कितनी बार में डिवाइड होता है 7 टाइम्स में, तो वो कैंसिल हो गया 7 दिया। नेक्स्ट क्या है -85/5, नीचे कुछ नहीं तो क्या है प्लस और ऊपर क्या है माइनस, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। -85 का 85 नीचे कितना है 5, तो माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस दे दिया, 5 से 85 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। और हमने उस लेक्चर में यह भी बताया था कि माइनस नीचे भी रहता ना तो वो कहाँ आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस जब भी नीचे है तो वो खुद से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्लस क्या होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई लिख दे कि 1/-2, ठीक है, अब कोई बोलता है कि ये ऐसे क्यों लिखते हो, माइनस माइनस ऊपर क्यों आ जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि माइनस ऊपर क्यों आ जाता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी नंबर के आगे क्या होता है, प्लस का साइन होता है, और प्लस कैसे मिलता है, प्लस के बारे में हमने बताया है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, प्लस मिलता है। इसलिए हम इस प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, और नीचे एक माइनस है ऑलरेडी, तो वो एक माइनस से एक माइनस क्या हो गया कैंसिल, और बचा क्या -1/2। तो इस कारण जब भी कोई माइनस नीचे है तो वो हमेशा कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लस कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस की जगह हम दो माइनस लिख सकते हैं, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, रिमेनिंग 1 माइनस जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर माइनस डिनोमिनेटर भी है तो वो कहाँ आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे -85 है, -85/5, तो यहाँ पे तो माइनस ऊपर ही है तो उसको ऊपर ही रहने देंगे, 5 से 85 में चाहे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 75 जो टेबल हमें याद है 75 जो कितना होता है 85, तो आंसर कितना आया 17। आप 5 से 85 में इस तरह से डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, -729/-7, ठीक है, -729/-7। तो फिर से देखिए माइनस दो दिख रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 7 से 729 में डिवाइड, 27 है, अच्छा 27 है हाँ, तो -27, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, और 27 से 729 में डिवाइड करेंगे तो ये 729 27 टू जा कितना होता है 54, माइनस किया तो 8, यहाँ पे कितना आएगा 1, और 27 7 जा कितना होता है 189। मतलब अगर आपको एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स को सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए आपको टेबल रन करना तो जरूरी है ही, कितने तक, मिनिमम 30 तक टेबल हमें रन होना चाहिए। तो 27 7 जा कितना आया 189, तो आंसर कितना है हमारा सिर्फ 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो इस बार क्या है 0y-135, तो 0/-135, तो माइनस जब भी नीचे हो तो ऊपर आ जाता है तो ऊपर लिख दिया हमने 135, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने ये भी पढ़ा है कि जीरो में कोई भी नंबर से डिवाइड कर दो या कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो नंबर कैसा भी हो कुछ भी हो, है ना, हमेशा वैल्यू कितना मिलता है बच्चों, जीरो ही मिलता है, क्योंकि जीरो का कुछ साइन नहीं होता है, इसलिए -0=0 ही होता है और +0=0 ही होता है। तो जीरो में कुछ भी कर दीजिए वो हमेशा क्या रहेगा, वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज क्या था, इंटीजर का डिवीजन हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या देखा डिवीजन देखा बच्चों। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लिया तो अगले लेक्चर में अब क्या आएगा, सारे एक साथ आएंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब एक ही साथ आएंगे, और उसमें कभी कभी ब्रैकेट्स भी आ जाएगा और बार भी आ जाएगा, तो उस टाइप के सम को हम कैसे करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।